इस देश को इन बदमाशों ने लूट लिया, अफसर शाही ताना शाही। आज यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है, हमारा आंदोलन का तीन धाराएं, एक किसान आंदोलन, एक भूतपूर्व सैनिक का आंदोलन और एक नौजवानों का आंदोलन, तीनों आंदोलन का धारा मिलके आज इस लड़ाई को हम संगठित कर रहे हैं। इसका स्लोगन है जय जवान जय किसान जय नौजवान और जय संविधान। ड्यूरिंग द इलेक्शंस वी ऑलवेज सी दैट देयर इज एन इम्पोज्ड एजेंडा सेट बिफोर द कंट्री। This time we decided that we will not respond to those imposed agendas, but we will create our own agendas of the people and project it to the political parties. पिछले साढ़े चार पौने पांच साल के दौरान संघ और भाजपा ने एक कल्चरल फिल्थ जो अनलिश किया है, समाज में जो गंद मचाया है, जो इकोनॉमिक और हर किस्म का जो डिजास्टर अनलिश किया है, उसके चलते इस गणतंत्र दिन के मौके पर सबसे ज़्यादा एक नारा गुजरा था कि संविधान को बचाया जाए। तो ये बात तो साफ हो चुकी है कि आरएसएस और भाजपा अपने पुराने मनुवादी ब्राह्मिनिकल फासिस्ट एजेंडा के लागू करने के लिए डेस्परेट है, और वही साढ़े चार साल में हम लोगों ने देखा है। मोदी पाँच साल पहले वादा किया था, आज टाइम नहीं है जाने का समय, वो पूरा नहीं किया। वो किसान के साथ गद्दारी किया, डेढ़ गुना दाम देने का नाम किया दिया नहीं, फौज के साथ गद्दारी किया, वन रैंक वन पेंशन देने का वादा करके दिया नहीं, और नौजवान से गद्दारी किया, उसका 2 करोड़ हर साल में नौकरी देने का बात, तीनों हिस्सा के साथ गद्दारी किया। इस गद्दारी के खिलाफ पूरा देश में 70-75% जो लोग हैं, किसान नौजवान विद्यार्थी और एक सर्विसमैन, ये सब के अंदर गुस्सा है। इसी गुस्सा आज आखिर में आके आज सरकार पर हम चाहता है एक एजेंडा सेट करें। हम चाहते हैं मंदिर मस्जिद का सवाल पर नहीं होगा अगले चुनाव। अगले चुनाव हमारे जो 18 सूत्री मांग है, हम इस 18 सूत्री मांग को सारे पॉलिटिकल पार्टी स्वीकार करें, इसी के आधार पर अगले चुनाव लड़े और बीजेपी को हराए। फॉर द लास्ट 60 ईयर्स देर हैज बीन ए लॉट ऑफ इनजस्टिस बीइंग डन बाय ऑल गवर्नमेंट्स विद द सोल्जर्स ऑफ दिस कंट्री। द सोल्जर्स पेंशन एंड पे पर्क्स हैव बीन constantly being reduced for the last 30 to 40 years, whereas the civilian counterparts' pay and perks have been constantly increasing. I give you a glaring example. If a policeman goes beyond Guwahati or an IAS officer goes beyond Guwahati, he gets a disturbed area of 67,000, whereas if a soldier goes there, he only gets 20,000. सरकार की ओर से जो ये भ्रम फैलाया गया समाज में कि हमने वन पेंशन वन रैंक दे दिया उनको, ये बिल्कुल झूठ है। ये फौजियों के साथ एक भद्दा मजाक किया उन्होंने, उसके बाद एक मजाक और किया है कि वन पेंशन वन रैंक वन राहुल वन प्रियंका। मैडम, राहुल प्रियंका अभी पैदा हुए हैं, ये मैं 70 साल की हो गई, मैं 40 साल से सुनती आ रही हूँ। We believe that all soldiers who have done the same work of job, same time of job, fought in the same situations, lived at minus 40 degrees, whether it was 1977 or 2019, they should get the same pension. That means one rank, one pension means same pension for the same rank, for the same length of service. If an Hawaldar who served 24 years and retired in 1977, an other Hawaldar who served 24 years and retired in 2019, pension of both the Hawaldar should be same. कोई भी देश के हित में नहीं है, देश के जवान भूखे मर लग रहे, अब कटन लग रहे, मरन लग रहे, ये बदमाशों ने इनकी पेंशन काटी। These rules are being framed by the government, politicians and the IAS, and we have no representation there. That is why these kind of disparities are coming. हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसों की लड़ाई नहीं, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। ये इतना जो आप हजूम देख रहे हैं, ये सब अपने सम्मान के खातिर बैठे हैं, पैसों के लिए नहीं। ये गवर्नमेंट ड्यूटी है, जहाँ भी जवानों में जाता है, ये बोलता है कि मैंने वन कमेंट दे दिया है, लेकिन मोदी झूठ बोल रहा है, हम उसके मुंह पर भी बोल देंगे, हम डरते नहीं हैं। इन नेताओं ने अपनी तनख्वाह कितनी बढ़ाई है, रोज बढ़ाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। एक जवान 25 साल में उसका पेंशन का हकदार होता है, और ये 5 साल में हकदार बन जाते हैं। कौन सा कानून है, कौन सा विधान है ये?
अधिकारों की लड़ाई में किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता, जिसके दर्द होता है, जिसको लगता है अधिकार छीन है, वो खुद चला आता है। सबको पीड़ा है, सबको लग रहा अधिकार छीन है, इसलिए इकट्ठा हुए। और पार्लियामेंट सत्र से पहले इकट्ठा होने का कारण ये है कि सरकार संशोधन इसमें जो है विधेयक लेके आए, जातिवादी जज दो यही बैठ के फैसला करेंगे, मुझे मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रचार के माध्यम से सही चीजों को गलत ठहरा के, जैसे बहुत सारी चीजों में दलित पिछड़े आदिवासी को ये गलत ठहराया गया कि आरक्षण गलत है, आरक्षण नहीं लेना चाहिए, लोगों को अपनी योग्यता और कुशलता से आना चाहिए, और यही मानसिकता सभी लोगों के ऊपर बैठा दी गई, जिसके कारण लोग ये वास्तविकता में समझने लगे कि ये आरक्षण वास्तविकता में गलत है। सामाजिक दबाव के लिए सरकार को पता लगे ये शोषित वंचित पीड़ित लोग अधिकार चाहते हैं, और इससे क्योंकि उन्हें वो लोकतंत्र में लोगों की तो कीमत होती है, जब लोग खिलाफ है तो सरकार को अकल आ जानी चाहिए, वरना दो ब्रेल फिर से दोहराया जा सकता है। हमारा मांग है भी कि जो हमारा वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है, जो हमारा वेटरन सोल्जर्स ने मांग कर रही है बहुत साल से, और ये सरकार भी बोला था जब सत्ता में आने के पहले कि हम वन रैंक वन पेंशन इंप्लीमेंट करेंगे, अभी तक नहीं किया है। तो हमारा मांग है कि एटलीस्ट ये लास्ट सेशन में आप कुछ ना कुछ देशभक्ति दिखा के हमारा सोल्जर्स का पूरा मांग करिए। और हमारा मांग दूसरा भी है कि जो किसान आत्महत्या कर रही है वो रोकने के लिए हमारा मांग था कि जय जवान जय किसान वाला और जय संविधान मांग है कि ये पूरा कर्ज माफी एक स्कीम इंट्रोड्यूस करे, वो अभी तक कुछ फॉर्मूला नहीं आया है, वो भी पूरा करे इस लास्ट सेशन में, नहीं तो सब जनता देख रही है और आपको भगाएंगे और एक अच्छी सरकार हम बना ही लेंगे, क्योंकि जय संविधान जय जवान और जय किसान इकट्ठा हुआ तो आप देख सकते हैं कि हम पूरा देश है और हम बचा के रहेंगे और अच्छा समाज बना के रहेंगे।